आप भी यहाँ पर सर्च कर रहे हो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स, और वो भी आपको कम सिविल पे चाहिए, वो भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही दो लोन ऐप्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आपको इंस्टेंट लोन देती है, और ये एक इमरजेंसी मतलब क्रेडिट लाइन देती है जो कि आपको बहुत ही जल्दी मिल जाता है। लेकिन इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखते रहे, चैनल वीडियो को स्किप एक सेकंड के लिए भी मत करें। अगर आप हमारे चैनल में नए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं आज के यहाँ पे उन लोन ऐप्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बस बोलना चाहूँगा, अगर आपको नीड है पैसों की और आपको सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये तक की लोन की ही ज़रूरत है, तो आपको मैं दो ऐप्स रिकमेंड कर रहा हूँ, 2 से 3 ऐप्स रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ग्रो है। ग्रो से अगर अभी तक आपको 100 रुपये नहीं मिला, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, उससे अगर आप साइन अप करते हो, केवाईसी करते हो, तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा। इसके लिए अभी आपको कोई रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेनिफिट क्या है, अगर आप रेफर करते हो तो जिसको रेफर करते हो उसको भी 100 रुपीज़ मिलता है और आपको भी मिलता है। जैसे कि आप भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप साइन अप करते हो तो आपको 100 रुपीज़ भी मिलता है और मेरे को भी मिलता है, ठीक है। रेफर कर लोगे तो आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हो। दूसरी ऐप्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे है अप स्टॉक्स ऐप्स भी। हाँ दोस्तों, अप स्टॉक्स जो ऐप्स है वो आपको 300 रुपये पर रेफर से लेकर के 1,000 रुपये तक रेफर का देती है, जो कि आप प्रूफ भी साइड स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे एक सब्सक्राइबर को मिला है और हमें खुद यहाँ पे मिला है। बात करें तीसरी ऐप्स की दोस्तों, तो है ICICI डायरेक्ट, जिसमें बहुत लोगों का अकाउंट अभी नहीं है, तो इसमें भी मतलब आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें पर रेफर का 750 रुपये यहाँ पे मिलता है दोस्तों, और तीनों ही ऐप्स जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी तरह का चार्ज यहाँ पे नहीं है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और ना ही ये ऐप्स आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया काट सकती हैं। ये दोस्तों एक इन्वेस्टिंग की ऐप्स है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इससे अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेफर करके लोगों को, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है और बहुत ही ईजी, अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। पहले बता दूं कि इन पे आपको KYC करने के लिए चाहिए आधार कार्ड की डिटेल और पैन कार्ड की डिटेल और आधार लिंक नंबर। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो 101% आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और फिर आप अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो आते हैं दोस्तों आज की वीडियो पे। आज का वीडियो स्टार्ट करूँ तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप पूरी डिटेल में आप NBFC लोन ऐप्स के बारे में जानना चाहते हो या RBI अप्रूव्ड लोन ऐप्स के बारे में जानना चाहते हो, आपको एक वेबसाइट स्क्रीन पे दिख रही है, इस वेबसाइट पे आपको जाके विजिट करना है। पूरा यहाँ पे कंप्लीट डिटेल उस लोन ऐप्स की आ जाएगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगी, और वो भी बिना सैलरी स्लिप के, बिना डॉक्यूमेंट के। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो और इंस्टेंट लोन ऐप्स की। सबसे पहले जो लोन ऐप्स है उसका नाम है ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस एक एमरजेंसी सर्विस है दोस्तों लोन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी में ही आप वर्क करती है, मतलब देती है, भले आपका सिविल स्कोर कम हो और तब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सिविल स्कोर पे निर्भर करता है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपका सिविल लो है तो आपको हाई इंटरेस्ट का यहाँ पे ये लोन ऐप्स लोन देती है, अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट का लोन देती है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी देखती है कि रिस्क प्रोफाइल कितना है, कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं। अगर आपका सिविल बहुत कम है, मतलब आप डिफ़ॉल्ट ज़्यादा कर सकते हो, इसलिए आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका अपनाते हैं लोग। इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो ये 60% से 158% का इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये लोग एमरजेंसी सर्विस देते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी में ही आपको यूज़ करना है। तो जब बहुत ही ज़रूरी हो आप तभी अप्लाई करो, अदरवाइज नॉर्मल लाइबिलिटी के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करो, बिकॉज आप लोन ऐप्स की ट्रैप में फंस सकते हो, साथ ही साथ आपका सिविल भी यहाँ पर डाउन हो जाएगा, फ्यूचर में आप लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसीलिए जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी नीड हो, अपनी कंडीशंस को देखते हुए लो, और ये 2 महीने से 3 महीने का लोन आपको देती है, 2 से 3 महीने का आपको इसमें टाइम मिल जाता है। बात करते हैं अब दूसरी लोन ऐप्स की। अगर इसके NBFC की बात करें ट्रू बैलेंस की, तो इसकी NBFC है ट्रू क्रेडिट NBFC है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगर इसके हम प्रोसेसिंग फ़ीस की, तो कम है प्रोसेसिंग फ़ीस, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ये ज़्यादा लेते हैं आपसे। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम फेयर दूसरी ऐप्स की, जिसका नाम है फेयर मनी ऐप्स। ये भी आपको इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रही है, बहुत ही ज़्यादा लोन इन्होंने बांटे हैं, और वो भी आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, कि आपकी एलिजिबिलिटी उसी से डिसाइड होती है। एक इनका अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आपको कितना भी यहाँ पे लोन मिल जाता है, ठीक है। और ये अगर इसकी NBFC की बात करें, तो अपोलो फिनवेस्ट NBFC है, ठीक है।
बात करें अगर यही चीज़ है, इसमें भी यही चीज़ है, आप सेम चीज़ है कि आपको लोन तो मिल जाता है, बट रही है रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, आपका प्रोसेसिंग फीस डिसाइड होती है, और आपको कितना मिलेगा वो सब आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। मतलब कम सिविल पे मिल जाएगा लेकिन आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर छोटे मोटे पैसों की ज़रूरत है तो आपको जो मैंने अर्निंग एप्स बताई हैं उसी पे वर्क करो, उसी पे रेफर करो और लोगों को शेयर करो, और आप अपने अर्निंग प्रूफ के साथ करो। आपके लोग जितने जितने लोगों को शेयर करोगे सब उस पे साइन अप करेंगे और आपको यहाँ पे अर्निंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे इनसे दूर रहो, लोन ऐप से ज़्यादा हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।